मध्य प्रदेश में कई नेताओं के कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसके चलते सूबे में सियासत अपने चरम पर है। हाल ही में कमलनाथ के करीबी और पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना की बीजेपी में एंट्री के बाद दीपक सक्सेना के इस्तीफे की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि आगामी 27 मार्च को भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कमलनाथ के खास वफादारों में भगदड़ क्यों मची है और इन दिग्गजों के बीजेपी ज्वाइन करने से छिंदवाड़ा में क्या असर पड़ेगा। वहीं जब इस मामले में दीपक सक्सेना से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी इस बारे में कोई विचार नहीं किया है, न मेरी किसी भी प्रकार की चर्चा किसी से हुई है, इनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा, मैं दोगले चरित्र का व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा एक पुत्र है और मैं कांग्रेस में रहे और दूसरा भाजपा में, एक घर में दो झंडे लगे तो मैं कैसे मतदाताओं से किस दल के लिए वोट मांग पाऊंगा, इससे मेरी छवि खराब होगी। इन्हीं वजहों से मैंने नैतिकता के आधार पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब छिंदवाड़ा कांग्रेस में चर्चा हो रही है कि आगे क्या नई रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस के सिपाही एक एक कर भाजपा में जा रहे हैं, ऐसे में सभी की नजरें अब पूर्व सीएम कमलनाथ पर टिकी हुई हैं। अब ये देखना बाकी है कि क्या कमलनाथ कोई नई रणनीति बनाकर छिंदवाड़ा में नए सिरे से संगठन को मजबूती देती है।